नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट सूत्रा में और सुबह की 5 बड़ी खबरें लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे किंग्स इलेवन पंजाब और राजस्थान रॉयल्स के बीच हुए मुकाबले की, जहां राजस्थान ने एक दमदार जीत हासिल की। चमत्कारिक प्रदर्शन कर जीता राजस्थान। मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए किंग्स इलेवन पंजाब ने मयंक अग्रवाल के शतक के दम पर 223 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया, जिसके बाद लग रहा था कि राजस्थान शायद ये स्कोर चेज नहीं कर पाएगी। लेकिन राजस्थान ने शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश किया और 19.3 ओवर में 226 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। राहुल तेवतिया ने खेली ऐतिहासिक पारी। एक समय जब लग रहा था कि राजस्थान रॉयल्स शायद ये मुकाबला हार जाएगा, उस समय राहुल तेवतिया ने एक शानदार पारी खेली। राहुल तेवतिया ने 31 गेंदों में 7 छक्कों की मदद से 53 रन बनाए। आपको बता दें कि एक समय राहुल तेवतिया 19 गेंदों में सिर्फ 8 रन बनाकर खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद के 12 गेंदों में राहुल तेवतिया ने 45 रन ठोके। उन्होंने सेल्डन कॉटरेल के एक ओवर में 5 छक्के लगाए। मैन ऑफ द मैच बने संजू सैमसन। राजस्थान के लिए संजू सैमसन ने एक शानदार पारी खेली। संजू सैमसन ने 42 गेंदों में 85 रन की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 4 चौके और 7 छक्के लगाए। संजू के अलावा मैच में स्टीवन स्मिथ ने भी 27 गेंदों में 50 रन खेलकर टीम को शानदार शुरुआत दी। उन्होंने अपनी पारी में 7 चौके और 2 छक्के लगाए। मयंक अग्रवाल का शतक गया बेकार। किंग्स इलेवन पंजाब के लिए मयंक अग्रवाल ने बल्लेबाजी करते हुए अपने आईपीएल करियर का पहला शतक जड़ा। मयंक ने 50 गेंदों में 10 चौके और 7 छक्के की मदद से 106 रन बनाए, जिसकी वजह से किंग्स इलेवन पंजाब 223 रनों का स्कोर खड़ा कर पाया। आज आईपीएल में मुंबई इंडियंस वर्सेज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच मुकाबला। आज आईपीएल में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा। ये मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है राहुल तेवतिया की ये पारी कितनी कमाल की थी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल क्रिकेट सूत्रा को सब्सक्राइब भी कर लें।